राजधानी देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताओ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। इसके तहत ही कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वहीं उन्होंने भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुख से उठाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीएसी की एक बैठक हो चुकी है, उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीएसी की बैठक और होनी है, उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है।